नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आपके साथ मैं हूं मानसी खुलबे। हमारे साथ आज एक वैदिक युवा जुड़े हैं जो कई सालों पहले इस जीवन शैली को अपना चुके हैं। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। अपने बारे में कुछ बताइए। महादेव, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नाम कणा दात्रे है। विशेषतः मेरे बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं एक आम आदमी हूँ जैसे आप लोग हैं, बस जीवन जीने की शैली जो है वो थोड़ा सा अलग है, जस्ट डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन पर्सन। जैसे आप लोग का जीवन जीने की शैली है उससे थोड़ा सा अलग, मतलब जिसमें कह सकते हैं कि अपने लिए जो जागरूक हूँ मैं, उसी शैली में थोड़ा सा जीवन को जीता हूँ, जागरूक अवस्था में, जिस प्रकार कि मैं कौन हूँ और मैं किस कार्य करने हेतु इस विश्व में मैंने जन्म लिया है, और मैं हाउ कैन आई सर्व पीपल, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने यह जीवन शैली अपनाई है। अपने पूज्य गुरुदेव से मैंने जो भी शिक्षा ग्रहण करी, मेरे गुरुदेव प्रातस्मरणीय एक तो हमारे बाबा जी महाराज श्री गुरुदेव सर्व सदगुरुदेव हेड़ा खान महाराज जी, और मेरे जो सदगुरु मेरे जो रहे हैं वह हैं मेरे पिताश्री, जिनसे मैंने वैदिक सभी प्रकार के अनुष्ठान आदि, सभी पूजन आदि सीखे हैं। सभी प्रकार की मैंने वैदिक पद्धतियाँ सीखी हैं, हमारे हिंदू वैदिक संप्रदाय की सारी पद्धतियाँ सीखी हैं, और जो जीवन का ज्ञान है वह मैंने यह प्रकृति से सीखा है, और अपने साथ बैठकर बाय स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ आई हैव लर्न्ड हाउ टू बी विद माई सेल्फ एंड हाउ टू ग्रो एंड हाउ टू लर्न एंड आई एम डेडिकेटिंग इट टू पीपल ऑल्सो। जी, आप तिरुपति बालाजी में भी महाराज की सेवा करते हैं, तो कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मुझे काफ़ी साल हो गए हैं महाराज जी की सेवा करते हुए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कितने साल हो गए, क्योंकि फिर वो ऐसा लगेगा कि मैंने सेवा नहीं, फिर वो ऐसा लगेगा मैं एहसान कर रहा हूँ। बस बालाजी की कृपा है, और बालाजी का मेरे ऊपर व्रतहस्त है, मेरे इष्ट देवता का, मेरे पूज्य पिताश्री का व्रतहस्त है कि मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। और उससे बड़ी, जिस धाम में लोगों को दर्शन करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और तीन तीन दिन बाद दर्शन होते हैं, उस धाम में मैं सेवारत हूँ, और उस धाम से मैं पूज्य बालाजी का महान सेवा कर रहा हूँ, उनके चरणों की सेवा कर पा रहा हूँ। यह मेरे लिए बहुत आभार व्यक्त करने वाली बात है, और मैं इसमें बड़ा ही उल्लास होता है और बड़ा ही प्रसन्नता होती है मुझे। तो इतनी कम उम्र में आप इस शैली को अपना चुके हैं जी। इसके पीछे क्या कोई कहानी या कोई घटना घटी है? कहानी या घटना तो बहुत सी हैं जिसने मुझे ऐसा बनाया है, परंतु जीवन जिसे कह सकते हैं आपकी, टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मेरा एक तो जो गृहस्थ, जो मेरे घर का जो भी आश्रम वगैरह था, मेरे घर में जितने भी मतलब परिस्थितियां थी उसके अनुसार, क्योंकि सभी अनुकूल परिस्थितियां थी मेरे पिताजी खुद एक वैदिक हैं, खुद मेरे घर का वातावरण ऐसा था, एक तो घर के वातावरण की वजह से, दूसरा हाँ मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो जीवन में अलग हो, बिकॉज आई हैड ऑल्सो लर्न लाइक यू ऑल हैव डन द स्टडीज ऑल्सो फ्रॉम द कॉन्वेंट स्कूल, और मैं खुद एक रिसर्चर भी हूँ, तो आई रिसर्च, आई एम अ फिलोसोफर। तो मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जो जीवन में हटकर हो, क्योंकि हम लोग जीवन में रोज़मर्रा की जीवन को जीते हैं, और हमारे पास सब लोगों के लिए टाइम है, वी आर हैविंग टाइम फॉर ईच एंड एवरीवन। अभी आपको टाइम है मेरा इंटरव्यू लेने का, और सभी जितने भी लोग हैं औरों को दूसरों की लाइफ से काफ़ी इंटरेस्ट है, बट अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे ये था कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ ये जानना चाहता था, और फिर मेरी लाइफ से मैंने क्या करा और मैं कैसे इस जगह पर पहुँचा कि मैं लोगों को बता सकूं, फिर ये मैं लोगों को बता कर उनकी मदद। तो जब आपने ये शैली अपना ली, तो आपके परिवार वालों ने कभी आपसे सवाल नहीं पूछा, या आपके परिवार वालों ने कभी इस पर एतराज़ नहीं जताया कि क्यों आप इसका इतनी कम उम्र में आप इस शैली को अपनाए? मेरे परिवार वाले तो और खुश हो गए थे जब मैंने इस शैली को अपनाया। मेरे पिताजी तो मुझसे कहा करते थे जब मैं छोटा था, मेरे यज्ञोपवीत संस्कार से पहले उनका हमेशा ये डायलॉग रहता था, इफ़ यू विल गो टू सेलिब्रेसी आई विल बी हैप्पी, मतलब अगर आप ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे और आप अगर ब्रह्मचारिता और निष्ठिक ब्रह्मचारी बनेंगे और योगी बनने की कोशिश करेंगे, तो मैं सोचूंगा कि कणाद आत्रेय के रूप में तत्व गुरु बहुगुणा मेरे पिताश्री जो हैं वह मतलब ब्रह्मचारी बन गया और वह एक योगी बन गया। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं अपनी जो प्रतिबिंब हैं आप में देखता हूँ, और आज जब वो मुझे एक योगी के रूप में देखते हैं, एक साधक के रूप में देखते हैं, तो उन्हें बड़ा उल्लास होता है, और वो हमेशा ही कहा करते थे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, जिस दिन तुम योगी बनोगे उस दिन मैं समझूंगा कि मैं योगी बन गया। जी, तो आपका अभी डेली रूटीन आपका क्या चलता है, मतलब आप जब आप इस धारा में आ चुके हैं तो आपका क्या डेली रूटीन क्या है, मतलब सुबह उठने का समय, शाम सोने का समय? मुझे ऐसा लगता है जो शैली में है वो एक समय ही भोजन करता है।
जी एक समय भोजन होता है और दूसरा मेरा सुबह उठने का समय काफ़ी जल्दी है, मतलब आम लोगों की तो उस समय शायद आधी नींद हो रही होती है, मैं उस समय उठ जाता हूँ और फिर स्नान ध्यान करने के बाद अपना नित्य नैमित्तिक कार्य करने के बाद सर्वप्रथम हमारा जो होता है वह है प्रकृति को प्रणाम, जिसे हमारे वहाँ आप सबसे पहले तो हम जब उठते हैं, जब हम सबसे पहले बिस्तर से उठते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक माई बेड, मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ उसे बिल्कुल बढ़िया, जैसे मैं सोया होता हूँ जिस बेड पर मैं सोता हूँ जितना अच्छा जब वो मेरे सोते वक्त होता है मैं वैसा ही उसे सुबह उठने के बाद बनाता हूँ। फिर उसके बाद मैं उस पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ जिस पृथ्वी से हम उत्पन्न हैं, जो पृथ्वी हमें सब कुछ देती है, हमारी आधार शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर अपने उन वृद्धस्थों को मैं प्रणाम करता हूँ, इन कर कमलों को, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले तो सरस्वती कर मध्य तो गोविंदम प्रातः कर दर्शनम, मैंने प्रणाम करता हूँ जिनसे हम कार्यरत कर पा रहे हैं, जिनसे जी जी कर रहे हैं, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। फिर उसके बाद अपना स्नान ध्यान होकर नित्य नैमित्तिक कार्य से निवृत्त होकर फिर प्रकृति को प्रणाम करता हूँ सर्वप्रथम, जो इस प्रकृति जो ये धरा शक्ति है इसे। उसके बाद अपना वैदिक अपना अनुष्ठान वगैरह जो भी वैदिक पाठ होते हैं, क्योंकि वैदिक का एक नियम होता है, मैं अष्टविकृति पाठक हूँ, वैदिक अष्टविकृति वाला, तो हमारा नियम होता है कि हमें वेद पाठ करना होता है रोज़, और सूर्य की पहली किरण के साथ वह वेद पाठ शुरू होता है और तकरीबन मुझे एक घंटा करीब लगता है उसमें, मैं वेद पाठ करता हूँ। फिर अपना संध्योपासन हो गया, अपना जो भी अपने पूजन अर्चन करने के बाद मैं ठीक 8:15 बजे अपना जो भी होता है थोड़ा सा आहार वनस्पति पदार्थ वगैरह जो भी होते हैं उनका सेवन करता हूँ। उसके बाद अपना दिनचर्या लोगों से मैंने अगर जिन जो जिन्हें परेशानी होती है उनसे बात करता हूँ, आई टॉक विद पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम थिंग्स, आई टीच देम मेडिटेशन। और 11 से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वह मेरी फैमिली का टाइम होता है, आई स्पेंड दैट टाइम विद माई फैमिली और मैं अपने लोगों के साथ उसे व्यतीत करता हूँ। फिर 5 बजे के बाद से मेरा सायंकालीन संध्योपासन का समय शुरू हो जाता है, 7 बजे तक वह संध्योपासन पूर्ण होता है। फिर उसके बाद से लेकर फिर मैं थोड़ा अपना कर मन करा तो फेसबुक पर कभी लाइव अपनी अच्छी बातें बताना, लोगों को जीवन कैसे जीना है, जीवन में कैसे आप अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में वार्तालाप करता हूँ। फिर अपना रात्रि के समय में या फिर सुबह के समय अपना भोजन जो होता है वो हो गया, रात्रि के समय अपना 1 ग्लास गुनगुना पानी और फिर उसके बाद भगवती को प्रणाम करते हुए शयनावस्था के लिए चले जाता हूँ। अच्छा, महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हैं और महिलाओं के घरों में जो भी उनके साथ होता है या हम कह सकते हैं कि जो घरेलू हिंसा होती है, तो क्या आप उनके भी एक प्रेरणा स्रोत हैं या उनके भी उन्हें भी राय देते हैं? बिल्कुल, मेरे से तो हर प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, तो अब आप मैं क्या कहूँ आपको कि टू बी फ्रैंक अगर मैं कहूँ तो मेरे से तो बहुत प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, महिलाएँ पुरुष सभी, और मेरे पास जुड़ते वह हैं अधिकतर लोग जिन्हें परेशानी होती है, क्योंकि पीपल लर्न फ्रॉम द पर्सन हु इज क्योर्ड। एक डॉक्टर ही बता सकता है कि इलाज कैसे करा जाता है, एक आम आदमी नहीं बता सकता, और एक स्पेशल ऑर्गन का ही डॉक्टर बता सकता है कि इसे ये प्रॉब्लम है, इसे ऐसे ये ठीक होगा। अब आप पेट के डॉक्टर से कहें कि हार्ट को ठीक कर दीजिए तो वह मुश्किल है, वह नहीं कर सकता वैसा जैसा एक पेट का डॉक्टर कर सकता है। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे आप इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आप तिरुपति बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, और अब आपकी उत्तराखंड में क्या रणनीति, मतलब उत्तराखंड के लिए आप क्या करना चाहते हैं? उत्तराखंड की यूथ, जैसे उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है तो ये भी देवों की भूमि है, तो यहाँ के लिए आपकी क्या रणनीति है, यहाँ के लिए आप क्या कुछ क्या कोई मेडिटेशन सेंटर खोल रहे हैं या युवाओं को कैसे आप अपने साथ जोड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो इस वक्त इस प्रेशर में है, क्योंकि आजकल जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है कहीं ना कहीं, तो आप एक पॉजिटिव माहौल जैसे आप लोगों को देते हैं फ़ोन में या अपने जहां काम करते हैं, क्या उत्तराखंड के लिए आपके पास कोई रणनीति है? सर्वप्रथम तो उत्तराखंड को मेरा प्रणाम है, क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि भी है, यहां से मैं उत्पन्न हुआ हूं और इस जन्मभूमि ने मेरे पिताजी जैसे महान लोगों को भी जन्म दिया है जिनकी वजह से आज हमें भी जाना जाता है, जिनके कृपा पात्र हम भी हैं। सर्वप्रथम इस देवभूमि को मेरा प्रणाम है, और हाँ, इस देवभूमि के लिए तो कौन अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना नहीं चाहेगा जन्मभूमि के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम कनेक्टेड टू यूथ वेरी नाइसली, मेरे साथ यूथ काफ़ी जुड़ा हुआ है बिकॉज आई एम ऑल्सो अ यंग पर्सन, तो मेरे साथ यूथ को लगता है कि ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस हाउ ही हैज़ डील विद सो मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 13 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, एंजाइटीज, डिप्रेशन, कैरियर प्रॉब्लम्स होती हैं, आदमी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता, परेशानियाँ होती हैं जिसमें बहुत से लोग दे कमिट नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, लोग गलत कार्यों को भी कर बैठते हैं और गलत राह पर भी भटक जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल चल रहा है सब, आप सभी लोग उससे अवगत हैं, यू ऑल नो दैट, क्योंकि आजकल
शराब वगैरह ये सब प्रकार के धूम्रपान वगैरह जो भी नशे वगैरह हो रहे हैं यूथ, इसमें भी चला जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए मैं सर्वप्रथम तो युवाओं से, मैं जिस प्रकार से जुड़ता हूँ वह है मैं युवाओं से उनके तरीके से बात करता हूँ, क्योंकि युवा नहीं चाहता कि मैं उनके सामने बैठूं और मैं बिल्कुल आंखें चढ़ा करके उनसे बिल्कुल एक बोलूं कि ऐसा करो वैसा करो। नहीं, एक युवा ऐसा नहीं कर सकता जैसा हमने सीखा है, क्योंकि उसको सीखने में इट टेक टाइम्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आप पहले दिन ही अगर आप एक नर्सरी के बच्चे से कहें कि PhD की क्लास में चले जाओ तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो वैसे ही अभी उस युवा को कुछ पता भी नहीं है कि वे योग में कैसे करना है क्या करना है, तो सर्वप्रथम उससे उसके हाल को जानिए। और ये मैं सभी माता पिता से भी कहूँगा जिनके घर में युवा बालक बालिकाएं हैं कि अपने बच्चे के साथ बैठिए थोड़ी देर, कि बच्चे को समय दीजिए। मुझे मेरे पिताजी ने बहुत समय दिया है और आज भी समय देते हैं। मेरे पिताजी से मेरी आज भी वार्तालाप होती है और बहुत अच्छी वार्तालाप होती है। मेरा आज जो भी अच्छा करने का, मेरा जो भी योग वगैरह में जाने का, मेडिटेशन साधनाओं में जाने का यह जो कारण रहा वह स्रोत मेरे पिताजी रहे, मेरे पिताजी से वार्तालाप रही, मैं कभी भटका नहीं इसके कारण मेरे पिताजी रहे। अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा एक दोस्त की तरह बर्ताव करें, क्योंकि आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, एक्सपीरियंस होता है, दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बट दे डजंट शेयर इट विद द पीपल। वो अपने बच्चों के साथ उसे बांटते नहीं, वो कहते हैं कि उम्र के साथ सीख जाएगा। अरे उम्र के साथ तो हर कोई सीख जाता है, परंतु अगर उम्र के साथ अगर उसे कोई परेशानी हो गई, तो उससे पहले अगर कोई परेशानी हो गई और आप काम नहीं आ सके, उसने कुछ कर दिया गलत और आप कुछ नहीं कर पाए, तो फिर रोने के अलावा और क्या होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनको समझें, क्योंकि यूथ जो 13 साल से 25 साल की अवस्था होती है, जोश बहुत होता है अंदर अंदर, एक अलग ही स्फूर्ति होती है, कुछ कर जाने की स्फूर्ति होती है। परंतु एक सही माहौल, एक राइट पाथ जिसे कहा जाता है, क्योंकि मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम पढ़ रहा था एक दिन, तो उसमें लिखा रहता है कि 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड्स एंड आई हैव टू चूज द वन वेयर टू गो, कि 2 रोडें हैं, दो मार्ग हैं और दोनों अलग की तरफ जा रहे हैं, एक जगह पर आकर के दो मार्ग हैं अलग अलग जा रहे हैं, अब मुझे चूज़ करना है कि किधर जाऊँ। तो इस समय भी वैसा ही होता है, जो ये एज होती है 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था जिसे युवा अवस्था भी कहते हैं, यह वर्ष की अवस्था में आयु में पीपल गेट कन्फ्यूज, लोग द्वैत भाव में पैदा हो जाते हैं, उनका दो राय होते हैं कि इधर जाएं इधर जाएं, कन्फ्यूज रहते हैं और वो गलत कार्य कर बैठते हैं उसके चक्कर में। तो इसीलिए मैं उनसे उनके साथ की बातें करता हूँ, उनके माहौल में ढलने की कोशिश करता हूँ, उनको अच्छे माहौल में रखने की कोशिश करता हूँ जिससे वो पैम्पर हो सके, उन्हें मैं सही तरीके से हील करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं। आजकल का युवा तंदुरुस्त नहीं है दिमाग से, क्योंकि युवा को इतने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं कि वो अभी कुछ और सोच रहा है अभी कुछ और सोच रहा है। तो उसको पहले उसका मेंटल डिसऑर्डर ठीक करने की कोशिश करता हूँ, उसे कंसंट्रेशन कराने की कोशिश करता हूँ, फिर जैसे जैसे वो जब वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसे मेडिटेशन में हम लाते हैं। और हमारे कोर्सेज हैं मेडिटेशन के अलग अलग, जैसे त्रितारी मेडिटेशन कहा जाता है, ये अलग प्रकार का मेडिटेशन है, इसे आप एक तरीके से हैप्पीनेस मेडिटेशन भी कह सकते हैं। जी जी, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा योग नहीं कराया जाता जो कठिन हो, इसमें ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं जो आज तक नहीं करी गई, जो हमने अपने गुरुदेव से सीखी हैं, अपने स्वाध्याय से सीखी हैं, अपने खुद की मेहनत से और खुद के ध्यान से सीखी हैं, खुद पर अप्लाई करके सीखी हैं। ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ देन आई एम टेलिंग इट टू यू। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आजकल का जो व्यक्ति है वह जोश से भरा हो, उसके अंदर स्फूर्ति हो और उस स्फूर्ति का वह सही मार्ग पर इस्तेमाल करें। और इसीलिए मैं उनसे सही मार्ग की बात करता हूँ, पॉजिटिव बात करता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करता हूँ। उनसे मैं कोई भगवान की बात नहीं करता, उनसे मैं कोई संप्रदाय की बात नहीं करता, जाति धर्म की बात नहीं करता, उनसे मैं उनकी बात करता हूँ, क्योंकि आजकल का आदमी अपने बारे में जानना चाहता है। राम ने जो कर दिया कर दिया, कृष्ण ने जो कर दिया कर दिया, अब आपने क्या करा, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन लाइफ, दैट इज़ माय प्रैक्टिकल एनालिसिस आल्सो एंड आई मेक द एनालिसिस ऑफ दैट आल्सो टू दैट पर्सन। और मैं वही चाहता हूँ कि आदमी स्वाध्याय करें, स्व का अध्ययन करें, खुद का अध्ययन करें, खुद को जाने, और वह सब चीज़ से निकल जाएगा। और यही युवा से मेरी प्रार्थना है कि आप जुड़िए मेरे साथ और सही दिशा पर जीवन का प्रयोग करें और जीवन में अच्छा करें। और उत्तराखंड के युवाओं के लिए यह ही है कि मैं उत्तराखंड के युवा अगर ये बोलें कि आपको मेडिटेशन सेंटर खोलो जी, ताकि वो आप लोगों से जुड़े जी, आपसे मिलने आए जी, क्या ऐसा कोई सेंटर आपने यहाँ तक अभी नैनीताल जिले में या उत्तराखंड में नहीं ऐसा खोला है? अभी इसके ऊपर कार्यरत हूँ। देखिए, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, हमारे पिताश्री का आशीर्वाद रहा और मेहनत रही खुद की, तो बहुत जल्द हम सोच रहे हैं कि एक मेडिटेशन हॉल यहाँ पर खोलें, एक मेडिटेशन रिजॉर्ट यहाँ पर खोलें। कुमाऊं को छोड़कर गढ़वाल में बातचीत हुई आपकी? जी, मेरी बाहर बातचीत हुई है बहुत तरीके से,
मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, जब हो जाएगा तो उस दिन वह स्वतः ही पता चल जाएगा। जिसे हमारे वहाँ कहा जाता है कि कर्म करिए बस, और मैं कर्म ही करता हूँ, और जब कर्म हो जाता है तो स्वतः पता चल जाता है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपको पता है मैं हूँ, अभी मैं यहाँ नहीं, मैं अगर तिरुपति होता तो आपको क्या पता चलता कि मैं हूँ या कोई और। तो इसीलिए अभी जब वो कार्य हो जाएगा तो स्वतः पता चल जाएगा। और मेरा स्वागत है सभी युवाओं से कि आइए और खुद को जानिए, और यही मेरा मंत्र है कि जानिए खुद को और आनंदित रहिए। अच्छा, सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो क्या आप कितना समय या कितने बजे आप अपनी क्लासेस लेते हैं, तो उनका समय आप हमारे दर्शकों को बता दें ताकि वो लोग जुड़ जाएं जो देख रहे हैं आप। मेरा बेसिकली मेरा जो सुबह का समय होता है वह रविवार के दिन होता है, सूर्यवार के दिन जिसे हम कहते हैं। तो उस दिन मेरा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा मैं उसमें सेमिनार लेता हूँ, 6 से 7 के बीच में। और दिनों जब जैसा मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से कार्य रहते हैं, मेरा खुद का भी ध्यान योग रहता है, अनुष्ठान वगैरह रहते हैं, तो और दूसरों की मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी मैं परेशानियों को ठीक करता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ, तो वो लोगों से मेरी वार्तालाप होती रहती है, और थोड़ा पिताजी के साथ भी बैठता हूँ, तो थोड़ा समय का अभाव रहता है। परंतु जैसा भी मुझे समय मिलता है तो रात्रि 8 बजे से 8:30 के बीच में थोड़ा सा फेसबुक पर लाइव आता हूँ, आप कणादात्रे करके सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर, और त्रितारी अवेकनिंग करके मेरा पेज है, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो उस पर मैं लाइव आता हूँ, और कुछ जो हमने व्हाटएवर आई हैव लर्नड इन माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आई शेयर इट पीपल, एंड आई ट्राई टू मेक देम ओवरवेल्म्ड एंड काम देमसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। जी कणादात्रे जी, बहुत अच्छी बात है कि आप युवाओं के प्रति इतने सजग हैं और युवाओं के लिए इतना सोचते हैं, जो आजकल का यूथ जो अलग दिशा में जा रहे हैं उन्हें आप दिशा देते हैं, तो आप बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, साथ ही आप लोगों को बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत ही अच्छी एक छवि है जो लोगों के सामने आ चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद थे कणादात्रे जी, जो कि एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, और साथ ही इस शैली को वो अपना चुके हैं और लोगों को भी प्रभावित करते हैं और लोगों को सीख देते हैं कि योग ही सब कुछ है, साधना ही सब कुछ है। बाकी इसके अलावा जो भी लोगों को दिक्कतें आती हैं, या जो भी इंसान अपने जीवन शैली को या जीवन शैली में खुश नहीं हो पाता, उसकी सहायता कणादात्रे जी करते हैं, इनके क्लासेस भी चलती हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा या ज़्यादा से ज़्यादा साथी कणादात्रे जी के साथ जुड़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कणादात्रे जी प्रतिपक्ष संवाद से बात करने के लिए। आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत होती है देश को, समाज को, ताकि वो बदले खुद को। बहुत बहुत धन्यवाद।